टू फैमिली, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे हम जेलसीनियम के बारे में। इस वीडियो में हम इसके सिम्टम्स, पर्टिकुलर्स, स्फीयर ऑफ एक्शन और क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी सेल्फ मेडिकेशन के लिए कैसे यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जेलसीनियम का कॉमन नेम है येलो जैस्मीन। ये सुंदर सी फ्लावर होती है जिसके रूट से, मतलब जड़ों से मेडिसिन बनाई जाती है और इसकी फैमिली का नाम है लोगेनेसी फैमिली। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जेलसीनियम इज सेड टू बी किंग ऑफ पोलियो, मतलब जैसे पोलियो वाली जो कंडीशन होती है उसके लिए इसको बेस्ट रेमेडी मानी गई है। और जेलसीनियम एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है हमारी बॉडी पर मेनली ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। जैसे कि केसेस आया पैरालिसिस का, चाहे वो थ्रोट की पैरालिसिस हो या एक साइड, किसी एक साइड पे पैरालिसिस हो गया है, तो उसके लिए भी अच्छी रेमेडी मानी जाती है। और एक बात, मेल्स के केस में जब नाइटफॉल की समस्या होती है ड्यू टू हैवी मास्टरबेशन, सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बेसिकली नाइटफॉल के लिए तो सेलेनियम, कैलेडियम और एग्नस कैस्टस होती है। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम है जेलसीनियम सिम्टम सच एज कोल्ड, फीवर, हेडक डेवलप सेवरल डेज आफ्टर एक्सपोजर, वेयर डोज ऑफ एकोनाइट कम ओनली अ फ्यू आवर्स ऑफ एक्सपोजर। जेलसीनियम जो होती है ना, वो कोल्ड, फीवर, हेडक के लिए तो यूज़ होती है, लेकिन एकोनाइट के लिए ये बेस्ट रिजल्ट देती है। मतलब अगर एकोनाइट को लेने के बाद आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलती है। देन सेकेंड है डलनेस, डिजनेस, अनड्राउंडनेस एंड ट्रिम्बलिंग। तो इसको आप याद रख सकते हैं 3D की हेल्प से। तो 3 और D, मतलब डलनेस, डिजीनेस, डॉसीनेस एंड ट्रिम्बलिंग, मतलब आप इसको 3D की हेल्प से याद कर सकते हैं। मतलब 3D, 3D का मतलब है डलनेस, डलनेस का मतलब होता है आपको सुस्ती आना, डिजीनेस का मतलब चक्कर आना और ड्राउंसनेस का मतलब होता है नींद आना, और ट्रिम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, मतलब आपका कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट, जैसे कि टंग, हेड या पूरा बॉडी अगर कपकपा रहा है, तो आप इस मेडिसिन का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड यही लिखा है, ट्रिमर इज़ अ की नोट ऑफ द रेमेडी, मतलब कपकपाना एक बेस्ट नोट है इस रेमेडी का। ट्रिमर ऑल ओवर द बॉडी सच एज ट्रिम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड, लेग और इंटायर बॉडी। देन फोर्थ है जेलसीनियम इज़ अ ग्रेट पैरालाइजर। मैंने आपको बताया कि ये नर्वस सिस्टम की अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और नसों के लिए तो बेस्ट मेडिसिन है। तो नसों के लिए अच्छी मेडिसिन है नर्वस सिस्टम लाइक प्रॉब्लम लाइक पैरालिसिस, मतलब वही पैरालाइजर लिखा हुआ है। फिफ्थ है इट इज एन एक्सलेंट मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मतलब इन्फ्लुएंजा के लिए भी एक एक्सलेंट रेमेडी है। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके सिक्स्थ सिम्टम के बारे में। सिक्स्थ सिम्टम पर जाने से पहले मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगी। मैंने एक बात बोली थी ट्रिम्बलिंग ऑफ टंग, मतलब जीभ का कपकपाना, अगर जीभ कपकपा रहा है तो उसके लिए एक और मेडिसिन होती है जिसको बोलते हैं लेकेरिस। जब स्नैक बाइट कर देता है ना, तो उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, तब आपका जीभ भी वैसे ही कपकपाता है। देन एक और बात, मान लीजिए कि पेशेंट आए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पेशेंट को कोई मेंटल ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि किसी की डेथ हो गई या लड़ाई हो गई है, कोई भी हादसा हो गया हो जिसकी वजह से उनको टेंशन हो, स्ट्रेस हो और पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई है, लाइक चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है, बार बार पैर हाथ कपकपा रहे हैं, तो आप बेशक इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे कई बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको बहुत नर्वस हो जाते हैं, अगर आप अचानक से उनको माइक पकड़ा देते हैं ना, तो वो बहुत नर्वस हो जाएंगे, उस पॉइंट पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए भी एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ सिम्टम्स पे। जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ द सन एंड समर, मतलब बहुत डिप्रेशन होती है इनको गर्मी से। सेवन है थर्स्टलेसनेस, मतलब इनको प्यास नहीं लगती है बिल्कुल भी, फीवर होगी, ठंडी लगेगी लेकिन प्यास नहीं लगेगी। देन इसमें हेडक होता है, हेडक जो होगी ना, मान लीजिए आपको कोई किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की वजह से अगर सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन मानी गई है।
इस हेडक से आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आप प्रोफ्यूज यूरिनेशन कर लेते हैं, मतलब आप अगर यूरिन पास कर लेते हैं तो आपको हेडक से आराम मिल जाएगा। देन अब हम अपने 9th सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो 9th सिम्टम है मोशन एग्रीवेट मोस्ट सिम्टम बट रिलीफ मस्कुलर पेन एंड हर्ट सिम्टम। मतलब अगर आप मोशन करते हैं ना तो उससे आपको तकलीफ होगी बट रिलीफ होगी मस्कुलर पेन और हर्ट के सिम्टम्स में। देन 10th है रिलीफ फ्रॉम स्टिमुलेंट इन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल। देन वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स के बारे में, मतलब किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अटैक्सिया। अटैक्सिया का मतलब होता है आपके हाथ पैर और बॉडी झनझना रही है जिसके वजह से बैलेंस नहीं बन रहा है और आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। देन ब्रेन के अफेक्शन में यूज कर सकते हैं। सेरिबो स्पाइनल मेलेंजाइटिस के कर सकते हैं यूज। कोल्ड में, कफ में, कॉन्स्टिपेशन में, कन्वल्सन्स में, एपिलेप्सी में एंड आई के अफेक्शन में भी यूज करते हैं। देन लोकोमोटर अटैक्सिया में यूज कर सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या स्लीप की डिसऑर्डर है कोई, और टर्मर मतलब वही कांपना, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, उल्टी होना। देन राइटिंग कैंप। देन वीडियो में आगे चलते हैं और स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब किन किन जगह पे इसके एक्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम पर, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड पे, देन मोटर नर्व्स पे। मैंने आप सभी को सबसे पहले ही बताया था कि नसों के लिए अच्छी दवाई है इसीलिए इसका नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम है। देन सेक्सुअल ऑर्गन पे भी करती है जैसे मेल सेक्स ऑर्गन पे एंड ब्लड। इट इज अ राइट साइड रेमेडी, मतलब राइट साइड के इसके सिम्टम सारे स्टार्ट होंगे। देन वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके पर्टिकुलर्स के बारे में। तो सबसे पहला पर्टिकुलर है हेडक, देन आई, माउथ, थ्रोट, डायरिया, यूरिन, फीवर, इंटीमेट फीवर, रिमिटेड फीवर और पैरालिसिस। होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये रही जेलसेनियम 30 की फोटो। बात कर लेते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। तो इसकी पोटेंसी आप 30 भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी पोटेंसी आप 200 भी यूज़ कर सकते हैं। फीवर सरदर्द है आपको तो 5 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार लें। मेरा मानना है एक्यूट कंडीशन में आप इसे यूज़ ना करें और ये एकोनाइट के साथ अच्छी रिजल्ट देती है। वैसे इस मेडिसिन को आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यूज़ करें। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।